हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक्साइटिफाइड यूट्यूबर के एकदम फ्रेश कमाल यूट्यूब वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो गुरुजी का नहीं है, ये मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुरुजी का वीडियो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने थंबनेल में क्यों गुरुजी का फ़ोटो यूज़ किया है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे गुरुजी का फ़ोटो यूज़ नहीं करता तो शायद आप भी इस वीडियो को क्लिक नहीं करते, और क्लिक नहीं करते तो मेरा व्यूज़ कैसे आता और मेरा चैनल कैसे चलेगा। समझ रहे हो। सो आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग का M51 स्मार्टफोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अनबॉक्स दिस फोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका M51 का बॉक्स। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्जर, जो कि है 25 वाट का एक फास्ट चार्जर। और यहाँ पे एक USB टाइप सी केबल। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हमारे मेन स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फोन। चलिए इसको बूट अप कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो। यहाँ पे इस फोन में है एक 7000 mAh का मोन्स्टर बैटरी, जो कि इंडिया में शायद पहली बार है कोई किसी भी स्मार्टफोन में 7000 mAh का बैटरी। भाई भाई भाई, ये तो किसी पावर बैंक से कम नहीं लगता भाई। और जो इसका प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 730G, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है मिड रेंज फोन के लिए। और इसका जो डिस्प्ले है वो है एक 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है इस प्राइस पॉइंट में। ये सैमसंग की तरफ से आने वाला पहला फ़ोन है जिसमें कि सुपर एमोलेड प्लस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और इसमें एक इसका जो कैमरा है वो है 64 MP क्वाड कैमरा सिस्टम। जो इसका कुछ सैंपल देख लेते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि इसका कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है। सो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है एक 32 MP का कैमरा, जो जिसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। और कैमरा में नाइट हाइपर लैप्स एंड कस्टम फिल्टर दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। और गाइस, जो इसका डिस्प्ले है वो एक इन्फिनिटी वो स्टाइल का डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए देखते हैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा है इसका डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसका बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, चार्जिंग, सब कुछ ही बात कर लेते हैं। आप चलिए बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें UI 2.0 का वर्शन है, जो कि एक कोर वर्शन है UI का, जिसमें हालांकि सारे फीचर्स नहीं मिलते आपको, लेकिन हाँ बहुत सारे फीचर्स है जो मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर, नॉक्स का सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, बहुत सारे जो फीचर्स है जो कि अदर सैमसंग के ऐसे इस वाले फ़ोन में मिलता है लेकिन इस फ़ोन में नहीं मिलता। कि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन अब सैमसंग ने ए सीरीज को थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में टारगेट किया है। और एम सीरीज में हालांकि इस रो ऑन पेपर स्पेक से वो अच्छा मिलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्या कहते हैं, अंडररेटेड कह सकते हैं। इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छा लगा। और हम इस फ़ोन का एक गिवअवे भी कर रहे हैं। अगर आपको इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छा लगा। हम आपको ज़रूर से कंटेक्ट करेंगे 1 महीने के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट।